बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बालाघाट में रामकथा कही और इस दौरान हिंदू राष्ट्र की हुंकार भी भरी और विरोधियों को जवाब भी दिया। वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे, हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठठरी भर गई। तो लीजिए, फिर बंद गई ठठरी। विरोधियों की ठठरी बांधने का ताजा मामला बालाघाट का है। परसवाड़ा के भादू कोटा में बाबा वनवासी रामकथा विवादों में आ गई। रामकथा रुकवाने के लिए यहां के आदिवासी संगठन हाईकोर्ट तक जा पहुंचे। कहा गया कि जंगल में रामकथा का वाचन करने से वनवासियों के संस्कार और संस्कृति पर असर पड़ेगा, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और रामकथा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उत्साह में बाबा बोले, लो बंद गई ठठरी। पहले हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार को यहाँ मत भेजो जंगल में, वरना वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे, हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठठरी भर गई। हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की बात करने वाले बाबा यानी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि बालाघाट जैसी जगहों पर कथा क्यों जरूरी है। हाईकोर्ट जाने वालों पर भी बाबा जमकर बरसे। उन्हें लग रहा था रुक जाएगी, पर सच ये है विरोध करने वाले भी कुछ अंग्रेज ही हैं। लेकिन एक बात बोल ले, धन्य है बालाघाट के पागलो, तुमने उनको जिस प्रकार तुम्हारे भगवान वीर बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों को उखाड़ दिया, अब हमें लगता है फिर से जंगल से ही क्रांति उठेगी और भारत में रहने वाले हिंदू विरोधियों को तुम ही लोग उखाड़ पाओगे। बाबा ने वनवासियों के बीच हिंदू राष्ट्र की अलख जगाई, वनवासियों को उनके गौरव की याद दिलाई। बोले, आपके पूर्वजों ने जिस तरह भगवान राम का साथ दिया था, अब आपको हिंदू राष्ट्र का साथ देना है। क्यों? क्योंकि हमारे आपके आराध्य प्रभु राम, हमारी आपकी कुलमाता माता सबरी, उनके अलावा कोई हमारी प्रार्थना है। हम विवादित बयान न्यूज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, सबके प्रति हमारा सम्मान है। हम केवल और केवल इसलिए हमारे प्रति हमारे अंदर राष्ट्र को जो हम देख पा रहे हैं, जो हमने अपनी चेतना से देखा कि 10 साल बाद यहाँ राम कथा कहना मुश्किल हो जाएगा भारत में, अगर ऐसे ही चलता रहा राम कथा नहीं कह पाएंगे। लेकिन हम होने नहीं देंगे, हम अब सब वनवासियों को इकट्ठा करके भारत में पुनः संस्कृति का प्रचार करवाएंगे। भक्तों के साथ बाबा के विरोधी भी कम नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें बाबा की हिंदू राष्ट्र की हुंकार पर एतराज है। इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीद ने बाबा की तुलना सिमी और पीएफआई से कर दी और कहा कि इन पर इस्लामिक स्टेट के लिए मूवमेंट चलाने के लिए बैन लगा है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भी बैन लगना चाहिए। इस बयान पर पलटवार करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात हिंदुस्तान में होगी ही और हिंदू राष्ट्र का मतलब जातिवाद मिटाना है। बाबा ने यह भी कहा कि रामायण गीता और महाभारत के विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं के हित की, हिंदू राष्ट्र मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म को स्थान देने की बात नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब जातिवाद को मिटाना है। हम इन भाई साहब को जानते नहीं है, वो बाह्यात बातों पर हम जवाब दें। बाबा और विवाद साथ साथ चलते हैं, लेकिन उससे बाबा को फर्क नहीं पड़ता। हालांकि सरकार बाबा को लेकर सचेत है। प्रदेश की सरकार ने बाबा को वाय श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। श्रीनिवास चौधरी, न्यूज 18, बालाघाट। वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे, हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठठरी भर गई।